जिंदगी में कई दोस्त बनाना एक आम बात है, लेकिन एक ही दोस्त से जिंदगी भर दोस्ती निभाना कुछ खास बात है। और हमारी दोस्ती 20 साल पुरानी है, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। तो जी प्लीज 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 प्लीज, ये फाइनली रिकॉर्ड हो रहा है गाइस। सुनी तो जिसलिए मुझे यहाँ पे पिक करने आई थी, हो गया। हाय गणेश। हाय हाय। ओ माय गॉड, मैं पूरी काली दिख रही हूँ। वेलकम आउट गाइस। ओ माय गॉड, व्हाट अ क्रेजी मॉर्निंग। मेरा सुबह सुबह गोप्रो गंदा वाला हैंग हो गया। मैं एसडी कार्ड, बैटरी वगैरह सब निकाल के चेक कर रही थी क्या दिक्कत हो गई है, क्यों नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि घर से निकलते वक्त सारे क्लिपिंग्स वगैरह जो भी एक दो रिकॉर्ड हुए वो भी उड़ गए, क्योंकि मेरे को पूरा फॉर्मेट करना पड़ा। एंड अगर वो कैमरा चल भी रहा था ना, तो 2-3 सेकंड के बाद बीप होके पूरा स्क्रीन ग्रीन हो जा रहा था एंड फ्लैश आउट हो रहा था। हाय विहांग, हाय रितु। आंटी, इनके साथ ये व्लॉग देख रहे हैं तो हम सब फ्रेंड्स की तरफ से आपको एक बिग थैंक यू। डोसा एंड चटनी वाज सिंपली अमेजिंग। सो गाइस, ऐसे ही कुछ हो रहा था मॉर्निंग में गोप्रो के साथ। मैं ऑन तो कर रही थी एंड जैसे ही शूटिंग करना स्टार्ट कर रही थी, 2-4 सेकेंड या 30 सेकेंड के बाद कैमरा पूरी तरह से डार्क, ब्लैकआउट, ग्रीन स्क्रीन एंड दी एंड। गाइज, हम पनवेल स्टेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा लड़ते पड़ते पहुँचे थे बिकॉज नेविगेशन ने हमको मिसगाइड कर दिया था। हम ब्रिज पर बैठकर फिगर आउट कर रहे थे कि हमको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्योंकि सुबह सुबह तो इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। एंड फाइनली हमारी ट्रेन स्लोली स्लोली आ गई गाइज। कोंकण कन्या आज के दिन थोड़ी सी लेट चल रही थी। सफ़र पर निकलने से बनती हैं यादें, ये यादें ही उम्र भर चलती हैं आपके साथ। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। वेल, आप हमारे फेस पे एक्साइटमेंट तो देख ही सकते हैं। एंड ये सारी क्लिपिंग मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है बिकॉज गोपू ऑन एंड ऑफ चल रहा था। आप देख सकते हैं, मैं दिख रही हूँ आपको मिरर में। गाइस, पनवेल स्टेशन क्रॉस करने के बाद जो हमको व्यू मिला है ना गोवा पहुँचने तक, एकदम मस्त व्यू मिला था। एंड पूरा सफ़र सिर्फ गप्पे शप्पे मारने में ही निकल गया। कुछ टाइम के बाद स्नैक्स भी स्टार्ट हो गया था आना ट्रेन में। एंड आप देख सकते हैं, हमने बाजू वाले भैया को फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेनमेंट दिया था। वेल, हम फ्रेंड्स का एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा हाई था क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद मिले थे। एंड ट्रेन में हम जैसे ही बैठे, शोरों शोरों से हमने गप्पे लड़ाने शुरू कर दिए कि हमको ध्यान ही नहीं था कि हमारे आगे पीछे और भी को पैसेंजर्स हैं। वेल, एक कंप्लेन भी आ गई, एक आकाशवाणी भी हुई ट्रेन में कि लेडीज थोड़ा धीरे बात करो। बारिश, इतनी ज्यादा सीनरी, पुराने दोस्त और नाश्ता ना हो, हाउ इट इज पॉसिबल। पूरी सफ़र में हमने सिर्फ खाया। वेल, ये क्लिप में आपको एक अंकल दिखेंगे। वो अंकल हर एक स्टेशन पे उतर के अपने पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। हाउ इंटरेस्टिंग ना, हमारा तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो रहा था। विंडो शॉपिंग भी कर ली थोड़ी बहुत ट्रेन में। एंड मैं थोड़ी सी अपसेट होके बैठी हुई थी बिकॉज मेरा ये सफ़र थोड़ा सफरिंग सा हो रहा था बिकॉज मेरा गोपो नहीं चल रहा था। मुंबई और गोवा तक का जो सफ़र है ना गाइज, मैं मेरे कैमरा में प्रॉपर कैप्चर ही नहीं कर सकती और मैं बता सकती हूँ आपको, बिकॉज वो इतना ज़्यादा लाइव है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब तक आप खुद विटनेस नहीं करोगे ना, मज़ा नहीं आएगा। एंड ये जितनी भी क्लिपिंग्स मैंने अटैच की है, बहुत ही मुश्किल से की है, बहुत ही मुश्किल से रिकॉर्ड की है। बिलीव मी, हर एक क्लिप रिकॉर्ड करने के बाद कैमरा वॉज डेड। मैं उसको फिर से ऑन करती थी, बैटरी डालती थी, निकालती थी, फिर डालती थी बैटरी, एंड लकीली चालू होता था, रिकॉर्डिंग होती थी एंड कैमरा शट। सो हे गाइस, सो अभी हम पहुंचे हैं चिपलून स्टेशन। मैंने मेरा व्लॉग अभी जस्ट स्टार्ट किया है एंड ये लड़कियां अभी बोलेंगी, अभी तक सबके मुंह में जाबा लगा था बट अभी सब बोलेंगी। आई डोंट नो
आज सुबह मॉर्निंग से मेरा कैमरा ने पूरा तरीके से मुझे धोखा दे दिया, बट अभी ये क्लिपिंग मैं रिकॉर्ड करूँ, लेट्स सी कितना रिकॉर्ड होता है, क्या होता है। तो यस, ये गर्ल्स खा रही हैं चिपलून का फेमस गर्मा गर्म वड़ा पाव। कंचन, हाउ इज अ वड़ा पाव? गरम गरम मस्त। और ये आओ बहन चुंगली करे, इनकी चुंगलियां सुबह से खत्म ही नहीं हो रही है। ये पूरी होती डालना इसको मेरा व्लॉगिंग स्किल कितना होने वाला मुझे पता नहीं, क्योंकि इन लोग सारी जितनी भी बैठी है देवियां यहाँ पे, ये दो देखिए, तो देखिए देख लो भैया, क्योंकि ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती है। एंड मेरा कैमरा खराब हुआ जो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा खुश था वो है कंचन। कैमरा खराब होने से सबसे ज्यादा दुखी थी सुनीता। अरे ये सब तो टाइम पास के लिए, मैं बहुत ज्यादा देगी प्लीज। थोड़े टाइम के बाद मैं ऊपर आ गई, मुझे लगा मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, एंड मेरे फ्रेंड नीचे बैठ के अभी भी गप्पे मार रहे थे। उधर भी कितना प्यारा वाटरफॉल है। चल फाइनली हम लोग, पता है मेरे कैमरा में भी दिक्कत क्या हो रही है, हम लोग बहुत ज्यादा जूम दिख रहे हैं, इतना जूम नहीं दिखते हैं मेरे को सेटिंग। हाँ, मेरे को सेटिंग में जाके, हाँ वो फॉर्मेट किया ना पूरा, देखती हूँ मैं कुछ चेंज करके भी, वो तो अपने रूम पे पहुँचने के बाद होगा सब। बट दिस इज लवली यार, बहुत प्यारा लग रहा है, जन्नत मतलब हेवन है ये जगह है ना। मुझे दो वर्टिगो के बाद से मेरे को हाइट से फियर हो गया एक। हाँ तो पीछे हाँ, रहे मैडम। नहीं नहीं कुछ नहीं आना, नहीं बट फिर भी पीछे बट दिस इज लुकिंग, देख वहाँ दूर देख कितना एक अच्छा नदी है, वही तो कह रही थी मैं। फाइनली गाइस हम गोवा पहुँच गए, थोड़े लेट ही सही बट यस पहुँच गए। सो अब तो व्लॉग्स आएगा नहीं आगे, बिकॉज मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बट यस स्टे ट्यून फॉर सम शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। It's electric.